नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। कदे पंजाबी विच एक गीत आया सी कि ओ देखो सड़कां ते अग तुरी आउंदी ए, पर अज जिस तरह फरीदकोट दीआं सड़कां उपर आवारा पशु घुम रहे हन तां इस गीत नूं इस तरह गा लिया जावे कि ओ देखो सड़कां ते मौत तुरी आउंदी ए, तां इस विच कोई अतकथनी नहीं होवेगी। फरीदकोट दीआं सड़कां उपर सचमुच ही ये आवारा पशु लोकां दी मौत दा कारण बन रहे हन ते इस दी उदाहरण कुछ दिन पहला फरीदकोट दे एक पंसारी दी आवारा पशु करके गई जान तो लई जा सकती है। जेकर गल करिए कि सरकार वल्लों लिया जांदा गऊ सिस किधर जा रहा है तां इस दी खबर भी इसे खबर विच हुणे दिंदे आ। पर जिक्रयोग है कि इन्हां पशुआं नूं कई बार फड़ के समाज सेवियां ने गऊशालावां विच छड्या, पर कुछ दिन बाद ही उन्ने ही पशु फिर सड़कां उपर आ जांदे हन ते पता नहीं कित्थों। हुण नगर कौंसल फरीदकोट ने इन्हां पशुआं लई एक नवां ऐलान कीता है कि समाज सेवियां ते होर लोकां नूं इन्हां पशुआं नूं फड़ के गऊशालावां विच छड्डण बदले पैसे दित्ते जाणगे। नगर कौंसल तो प्राप्त जानकारी अनुसार हुण तक गऊ सिस दे रूप विच 2019 तो लैके हुण तक 90 लाख रुपए एकत्र होए हन ते इह पैसे हुण गोलेवाला पिंड वाली सरकारी गऊशाला उपर खर्च किए जाण दा फैसला किया गया है। नगर कौंसल दे प्रधान नरेंद्र पाल निंदा ने दस्या कि यह गऊशाला दी हालत सुधारन अते इत्थे आवारा पशुआं दी संभाल लई 82 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। उन्हें दस्या कि इत्थे हुण इस गऊशाला दी हालत सुधारन ते इत्थे पशुआं दी सांभ संभाल वधिया तरीके नाल करन लई इस दी चार दीवारी खुरलियां फर्श शैड जनरेटर 200 लाइटां 8 गेट 100 पखे तूड़ी वाला वड्डा हाल इंटरलॉकिंग टैलां दी फर्श समेत कंधां उपर तार लगा के इस गऊशाला की तरसयोग हालत नूं सुधारिया जा रहा है। उन्हां भरोसा दिता कि आने वाले कुछ दिनों बाद ही फरीदकोट दीआं सड़कां उपर हुण कोई भी आवारा पशु दिखाई नहीं देवेगा। आओ सुनते हैं होर की कहा उन्होंने आवारा पशुआं की सांभ संभाल लई कीते जा रहे प्रबंधां बारे। ये हाली साहब सानूं इक कॉल सैस आउंदा है, कुछ तो पंजाब गौरमेंट कर नहीं, कुछ जिवें अपने नवीं रजिस्ट्रेशन होंदी है 2-व्हीलर ते 4-व्हीलर दीआं, उहदे च असीं टैक्स लैंदे आ। ये साढ़े को तकरीबन 90 तो 95 लाख रुपया साढ़े को कॉपसैस जमा पिया। ये कुशदीप सिंह ढिल्लों की एक सोच सी, गोलेवाल की गऊशाला उन्होंने मिली सी, डीसा भी बच्चे सी, एस भी मीटिंग के नाल क्लब के मैंबर भी सके मीटिंग उत्थे गऊशाला का। सानू ढिल्लों साहब ने साडी ड्यूटी लाई भी उत्थे गऊशाला तुसीं चैक करके आओ। उत्थे मैं एक्सचेंज साहब राकेश कंबोज जी नाल 4-5 ठेकेदार साहब लैके असीं उत्थे गए। उत्थे सारा असीं हालात वेखे, हालात वाकई उत्थे बहुत ज़्यादा माड़े सीगे। जाके उन्हां दी पंचायत नूं नाल लिया, जिहड़े उत्थे सामदे आ उन्हां पंचायत दे मुताबक जिहड़े दे काम उन्होंने दसे है अंदाजा 82.5 लाख दे सर वो एसटीमेट है। वह बुधवार मीटिंग है 11 बजे उहदे च पास करके हाली साहब तकरीबन 1 महीने का प्रोसैस है। 1 महीने दे विच असीं उह काम शुरू कर देंगे, तकरीबन बहुत वधिया जिहड़े सिस्टम है नमूने दे काम करके देवांगे तकरीबन बगैर प्राप्त तो। उहदे सर एक तां उन्होंने 4 दीवारी कहा जी, सारी जिहड़ी पहला उन्होंने 4 दीवारी हुई भी है, कच्चियां इटां नाल कट्टी हुई है, कच्चियां नहीं गारे नाल कट्टी हुई है, इटां पक्कियां गारे नाल कट्टी हुई है। एक उन्होंने सर थले कोई फर्श नहीं गा, वह मतलब मिट्टी च बैठिया उवें गंद वज्जिया हुआ सारा सिस्टम की है। एक उन्होंने शैड के उत्ते सारे दे फर्श ला के देने जी। एक उन्होंने खुरलियां सारे पट्ठे पाने खुरलियां सारे ढाइया हुई, सारे खुरलियां नवी बना के देनी है। एक तूड़ी वास्ते शैड जी, एक उत्थे सर कोई लाइट का प्रबंध नहीं, सारिया लाइटा के पखे सारे चेंज करके देने। एक पानी वास्ते उत्थे डिग्गियां बना के देनी है, पानी वास्ते तकरीबन पानी पीने वास्ते कोई व्यवस्था नहीं, कि छप्पड़ बनया हुआ कच्चा उस पानी पीते हैं। एक जनरेटर के उत्थे लाइट वास्ते जनरेटर का कोई प्रबंध नहीं सर, जनरेटर व्हीकल वर्दा साइलेंट जनरेटर उन्होंने लैके देना। एक तूड़ी वास्ते शैड पा के देना, तूड़ी उन्हें बाहर पी है तूड़ी वास्ते, तो सारे मेन जी जरूरत है तूड़ी की है गऊशाला वास्ते, वो तूड़ी उन्होंने शैड पा के देना 100x50 का जी। ये वास्ते प्रोसैस है तकरीबन सारे जिहड़े उन्होंने कमेटी ने काम लिखाए है हाली साहब, वो सारे काम उन्होंने पूरे करके देवे ते उन्हां दे मुताबिक ही ये काम होणगे सारे। ये काम होण तों बाद जिहड़ियां शहर दे विच गऊआं फिरदियां उहनां दी की स्थिति बणदी? हाँ हरी साहब, ये बहुत बहुत वधिया सवाल पुछिआ। जिहड़ा प्रोसैस इह जिहड़े पैसे लाउण लगे इसे करके ही लाउण लगे हैं, जिन्नियां गऊआं तकरीबन सारे क्लबां दा सहयोग लै के पर पशु दे हिसाब नाल असीं ये ठेका करांगे, कि मतलब जिहड़ा हरेक पशु दे हिसाब नाल उहनां पैसे देवांगे, कोई भी है क्लबां दा सहयोग भी लवांगे नाल, असीं आप ही लगांगे तकरीबन, असीं जिहड़ा शहर मुक्त कर देवांगे गऊआं तों।
ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ